उसके बाद हम देखते हैं कि कर्म कर्म ऐसे करो तुम सुखदाता के बच्चे हो, सुख देंगे तो तुम्हें भी सुख मिलेगा, इसीलिए तुम सुख देना सीख जाओ। दाता के बच्चे होने के कारण पहले देना सीखो, लेना तो जब देते हैं तो रिटर्न भी तुम्हें वही मिलता है। तो अपने कर्मों के ऊपर हमेशा हमें क्या करना है, ध्यान देना है। जितना जितना योग युक्त तो होके कर्म करते हैं, बाबा की याद में रह के कर्म करते हैं, हम देखते हैं जो भी इष्ट देव है जिनकी पूजा हर कर्मों की होती है। आप किन किन मंदिरों में जाएंगे तो वहाँ देवताओं के हर कर्म की पूजा होगी। अभी देवताएं विश्राम कर रहे हैं उसकी अलग पूजा होगी, अभी देवताएं हैं उठे हैं उसकी पूजा अलग होगी, अभी देवताओं का श्रृंगार हो रहा है उसकी पूजा अलग होगी, अभी देवताओं को भोग लग रहा है उसकी पूजा होगी। क्यों सबकी नहीं होती है, किन किन देवताओं की होती है? क्यों ऐसा होता है? बहुत कम देवताएं हैं ऐसे, क्योंकि जिन्होंने योग युक्त होके कर्म किए हैं उनके कर्म पूजनीय बन जाते। तो बाबा हम बच्चों को कहता है कि तुम जब योग युक्त होके कर्म करेंगे तो बाप तुम्हारा क्या है, श्रेष्ठ है, ऊंचे से ऊंचा है, तो तुम्हारे द्वारा कर्म भी कैसे होंगे, हमेशा तुम्हारे द्वारा श्रेष्ठ कर्म होंगे।